नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 28 जनवरी 2024 संडे एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते 22 से 26 का जो वीक था, उस वीक में करेंसी कैसे बिहेव किया, तो मेजर जो डेटा पॉइंट था, एक था आपका बीओजे का रेट डिसीशन फॉलोड बाय बीओई एंड ईसीबी रेट डिसीशन, उससे पहले आपका यूरो पीएमआई एंड यूके पीएमआई भी था। ये डेटा पिछले हफ्ते और करेंट हफ्ते में मींस मंडे ऑनवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, मेन इवेंट है 31 जनवरी को एफओएमसी रेट डिसीजंस। तो पिछले हफ्ते में जो डॉलर इंडेक्स बिहेव किया, कैसे बिहेव किया, वो अगर आपका वीकली चार्ट में देखेंगे, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप मीन्स एक इनडिसीजन कैंडल। पहले क्या हुआ, आपका 25 दिसंबर वाला हफ्ते में एक इन्वर्ट एक पिन बार बनाया, फॉलोड बाय बुलिश कैंडल इन द फर्स्ट जन वाला जो वीक था, देन ए पॉज कैंडल, देन अगेन अप मूविंग कैंडल इन 15 जनवरी, एंड जो अभी लेटेस्ट वीक था वहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। इसका मतलब क्या है, इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अभी अगर हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन करना है तो इमीडिएटली एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो है आपका 104 से 104.20 जोन का। अगर नीचे आना है तो यहाँ पे आपका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू भी देना है, देन एंड ओनली देन एक सेलिंग इंटरेस्ट देख सकते हैं। अभी वीकली आरएसआई अगर देखेंगे 49.34, इसका मतलब है दोनों साइड में मूव करने का प्रोबेबिलिटीज है। Whereas अगर हम डेली आरएसआई देखेंगे, इट्स एट 59.50। सो यहाँ पे देखना है कि 60 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आते हैं या नहीं। सो हायर प्रोबेबिलिटीज है कि नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। पहला है ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना है, देन नेक्स्ट डे पे फॉलो थ्रो देना है, आरएसआई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आना है, एंड प्राइस एक्शंस भी हमें देखना है। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी पे जो आपका प्रीवियस वीक का जो मूवमेंट था वो और भी ज्यादा नैरो रेंज में था। आपका इट ट्रेडेड इन बिटवीन 83.05 एंड 83.17, काफी नैरो रेंज के अंदर में पिछले हफ्ते में प्राइस मूव किया। और ये अभी एक मींस मंडे ऑनवर्ड्स भी ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनलेस सम सरप्राइजेस आर देयर। सो 83.10 ऑन द लोअर साइड और ऊपर की तरफ आपका 83.20 एंड 83.30 के बीच में ही रहना चाहिए। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर आप अगर देखोगे थर्सडे के दिन आफ्टर बीओई रेट डिसीजंस, ये ज्यादा कुछ नहीं मूवमेंट हुआ, मींस इट्स रेंज बाउंड इन बिटवीन 1.2742 एंड 1.2681। सो यहाँ पे अगर प्राइस को देखेंगे, फर्स्ट कमिंग टू वीकली इट्स ए डोजी कैंडल। डोजी का मतलब पॉज। अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, ऊपर की तरफ आपका 1.282040 ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ 1.2600 नीचे की तरफ, इस रेंज के अंदर में प्राइस मूव कर रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर में रहेगा तब तक प्राइस आपका इस विद इन द रेंज चौपी वॉलेटाइल रह सकता है। इसको ट्रेंड होना है तो आइदर साइड ब्रेकआउट होना पड़ेगा, एंड उसके लिए हमें इंतजार है, देखना है कि कौन सा साइड में डायरेक्शंस ब्रेक करते हैं। जीबीपी आईएनआर अगर देखेंगे, वो भी आपका एक रेंज ऊपर की तरफ 106.6080 एंड नीचे की तरफ आपका 104.7090 के बीच में मूव कर रहे हैं। इसके अंदर में जब तक रहेगा तब तक चौपी वॉलेटाइल प्राइस एक्शंस आर एक्सपेक्टेड। इसको अगर ट्रेंडेड मूव करना है तो इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना है। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर पे लास्ट वीक में आपका यूरोजोन पीएमआई था एंड ईसीबी रेट डिसीजंस था, जिसके कारण प्राइस एक्शंस ज्यादा कुछ बिहेव नहीं हुआ। दैट मींस जो भी डिसीजंस आए, जो भी डेटा आए, प्राइस को चेंज कर नहीं पाया। अगर वीकली चार्ट को देखेंगे, एक स्पिनिंग टॉप, ऑल्दो रेड इन कलर बट इट्स ए न्यूट्रल। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करता, आइदर नीचे की तरफ आएगा तो मीन्स लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है, हाई को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस को मीन्स टेस्ट कर सकता है। अभी ये जो रेंज है ऊपर की तरफ 1.0940 एंड नीचे की तरफ आपका 1.0815, इस दोनों रेंज के अंदर में आपका प्राइस जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक चौपी बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। अभी आते हैं आपका यूरो आयनर। यूरो आयनर जो
आपका वीकली क्लोज दिया है 90.27। यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो वीकली कैंडल एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, रेड इन कलर बट प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द साइड्स। इसका मतलब क्या है, अभी आइदर ऊपर जब तक इस वीक का हाई या लो रेंज को ब्रेकआउट नहीं करते तब तक प्राइस साइडवेज चौपी बिहेवियर करने का हायर प्रोबेबिलिटी से। एक बार इस रेंज से बाहर निकलने देते हैं उसके बाद ही हम इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। डॉलर येन, डॉलर येन लास्ट ट्यूसडे को आपका ये था, क्या बोलते हैं उसको, बीओजे का रेट डिसीजन था जहां पे दे हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अल्ट्रा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो प्राइस बनाया है, एक डोजी कैंडल बनाया बनाया हुआ है। अभी प्राइस को देखोगे 25 दिसंबर में एक नेगेटिव कैंडल बनाया, देन वीक 1 जनवरी वाला वीक में एक बुलिश कैंडल, देन ए पॉज कैंडल, देन 15 जनवरी में एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक पॉज कैंडल। अभी इसको इस पॉज के हाई के ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। अभी हमें देखना है क्या ये कौन सा साइड में ब्रेक करता है, लेकिन ऊपर में आपका 149.5070 इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। और नीचे में अगर जानना है तो इसको पहले इस जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा नेगेटिव कैंडल के साथ, एंड उसके नेक्स्ट उसके बाद वाले दिन पे आपका एक फॉलो थ्रू देना चाहिए। अदरवाइज इसी रेंज के अंदर में 1.46 ऑन द लोअर साइड एंड 1.4950 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में थोड़ा टाइम पास करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी अगर हम जीबीपी आईएनआर को देखें, येन आईएनआर को देखेंगे, ये एक डोजी कैंडल बनाया हुआ, इसके लो के नीचे फर्दर सेलिंग इज एक्सपेक्टेड, हाई के ऊपर बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब तक इस रेंज के अंदर में साइडवेज चौपी बिहेवियर करेगा। एनीवे हम यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार कर रहे हैं फॉर बाइंग पर्पस के लिए। दैट बीइंग द केस, ये जो 24 जनवरी का हाई है उसके हाई के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में जो वीकली कैंडल है एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, मींस प्राइस रिसेक्शंस एट द हायर एंड। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं प्रोवाइडेड ये 1.34 के नीचे सस्टेन करे, ट्रेड करे, देन इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं फॉर 1.34 एंड 1.3550, मींस देयर बी का, सो 1.3250 तक हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। $80 में यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, सो यहाँ पे इसके लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू, एक्सपेक्टेड हाई के ऊपर पुलबैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली का अगर हम प्राइस एक्शन देखेंगे यहाँ पे काफी सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें चाहिए, डब्ल्यू पैटर्न के हाई के नेक लाइन के ऊपर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सीएनएच, सीएनएच में पिछले हफ्ते में पीबीओसी ने काफी मेजर्स लाए थे जिसके कारण मीन्स काफी सीएनएच को अप्रिशिएट देखा गया, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाए। दैट बीइंग द केस आने वाले दिनों में या आने वाले दिनों से पहले ये जो कैंडल है एक पिन बार बनाया हुआ, पिन बार अगर ये 1.7.20 को ऊपर आने वाले हफ्तों में एक डेली बेसिस में स्ट्रॉन्ग क्लोज देते तो ऊपर की तरफ अपवर्ड जर्नी इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है क्विकली क्लोज दिया 83.59। यहाँ पे आप अगर देखोगे डेली चार्ट, मेरा जो प्रीवियस डेली एनालिसिस है वहां पे दो रेंज हमने डिस्कस किया था, एक है 81.50-80 का और नीचे की तरफ आपका 73.00। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हम मोमेंटम नहीं मिलेगा, चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी जैसे ये थर्सडे और फ्राइडे को ऊपर के तरफ, थर्सडे को ऊपर क्लोज दिया तो फ्राइडे को भी एक मोमेंटम हमने देखे। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है 84.30-80 का है, इसको अगर ब्रेकआउट कर देते तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 93। उसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये आपका 84.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज देना है। ये हो गया वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट, ऐसा ना हो मंडे ऑनवर्ड्स फिर दोबारा एक नेगेटिव कैंडल के साथ ये इस जो पहले का रेजिस्टेंस था उसके नीचे क्लोज दे दे। इन सच केस दिस ब्रेकआउट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट प्रूफ होते हैं इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 76.20। अभी देखना है क्या ये आपका इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते 84.50 के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं या फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ये नीचे की तरफ क्लोज दे देते हैं, आपका 81.50-80 के नीचे क्लोज दे देते हैं। कौन सा होता है इसके हमें इंतजार रहेगा। अभी यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है 4.14, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, मींस इसका मतलब पॉज, मार्केट इज वेट एंड इन वेट एंड वॉच मोड। अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हैं
कनेक्टिंग द लोस, इस लो के नीचे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसके नीचे चाहिए। एंड ऑल्सो एक एम पैटर्न हम दिख रहे हैं, यहाँ पे एक एम पैटर्न आए हुए हैं 26 जनवरी, इसको लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस टू ईयर ट्रेजरी वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो 4.355 में, और प्राइस एक्शन यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर गया, ये जो जोन है देखोगे काफी कंसोलिडेशन हो गया, इस जोन को पहले निकलना है, क्लियर आउट करना है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट पॉसिबली ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो डाउनवर्ड साइड के लिए इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, देन एंड ओनली देन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।